गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ पहले जॉब पे, वहाँ से फिर मैं निकलूँगा डायरेक्ट कॉलेज के लिए। तो जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ अभी ब्लैक फ्राइज से मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी, उसके तुरंत बाद मुझे कॉलेज जाना है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद क्या सीन है आगे का। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए। मुझे ब्लैक फ्राइज स्टेशन जाना है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो अब मैं बस में बैठ चुका हूँ और ये मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब तक थोड़ा सो लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ। अभी मैं ब्लैक फ्राइज स्टेशन हूँ, यहाँ से मेरे को जाना है अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो मैं ब्लैक फ्राइज स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट लाइन लूँगा, फिर मैं DLR लूँगा, फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मैं अपनी DLR ट्रेन लूँगा जो मुझे बैकटन लेके जाएगी, पर मुझे कैनिंग टाउन पर वापस चेंज करनी होगी क्योंकि ये वाली DLR लेके जाएगी वोलविच वाया लंदन सिटी एयरपोर्ट। सो फाइनली मैं साइप्रस स्टेशन पहुंच चुका हूं। ये साइप्रस स्टेशन मेरी यूनिवर्सिटी के पास में पड़ता है, तो ये इजी रहता है मेरी यूनिवर्सिटी आने के लिए। यहां से 2 मिनट के अंदर ही जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो वो मेरी यूनिवर्सिटी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। आज मैं वैसे ही लेट हूं क्योंकि मेरी क्लास थी आज और मैं थोड़ा लेट आ गया हूं, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूं क्लास अटेंड करके। चलो मिलते हैं तब तक। यहाँ मैं अपनी क्लास ख़त्म करके आ चुका हूँ बाहर। तो आप मेरे यूनिवर्सिटी के बाहर का ये एरिया देख सकते हो, मेरी क्लास 2.5 घंटे की थी क्लास। तो ये है मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर का एरिया, वो है नॉलेज डॉक। ये वाइट बिल्डिंग है, ये वाइट बिल्डिंग का नाम है वेस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे सब बिल्डिंगों का नाम दिया हुआ है और ये है सामने हॉस्टल। तो मेरी यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर है थेम्स सिटी, जस्ट बगल में ही है, और उसके सामने है लंदन सिटी एयरपोर्ट जो यहाँ का बेस्ट व्यू है। इस यूनिवर्सिटी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, काफ़ी अच्छा व्यू होता है और पढ़ने। तो दोस्तों ये है मेरी यूनिवर्सिटी, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के जस्ट पीछे है लंदन सिटी एयरपोर्ट, और काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे। बाकी बच्चे आधे पढ़ते हैं आधे यहीं पे रहते हैं, बाकी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, लोग काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। आप देख सकते हो पीछे खड़ा है राइट साइड में, तो वो भी निकलने का वेट कर रहे हैं।
तो जो ये सामने आप देख रहे हो ब्लैक में वाइट में और जो मतलब स्काई ब्लू कलर जो कलर है ये यहाँ के हॉस्टल्स हैं। ये हम सिर्फ टर्म टाइम में रह सकते हैं हम, बाकी अदरवाइज अगर वैकेशन होती है तो हमें यहाँ से निकलना होता है। जो सामने ये ब्लैक बिल्डिंग देख रहे हो इसमें मेरी क्लासेस लगती थी पहले फर्स्ट टर्म में भी सेकेंड टर्म में भी, और अभी मेरी यहाँ पे एक MLT का लेक्चर लगता है जो दो घंटों का होता है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है यार, सोच भी नहीं सकते मतलब कि जो ये हॉस्टल्स है सारे, ये जो एंड तक है मतलब देखो ये जो एंड है वहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी का एरिया है। और अब हम चलते हैं बाहर वापस। ओके सो ये देखो ये बैठने के लिए सिटिंग दी हुई है यहाँ पे, हम जब फ्री होते हैं तो यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर सकते हैं, अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये सामने कोस्टा कॉफ़ी देख ही रहोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। ये जो कोस्टा कॉफ़ी जिस बिल्डिंग के अंदर है उस बिल्डिंग का नाम है वेस्ट बिल्डिंग, और जो आप सामने देख रहे हो वो वाली बिल्डिंग है ईस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट हब, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो वो लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और ये हॉस्टल हो गया, ये व्यू हो गया, और सामने जो है वो है डॉकलैंड लाइब्रेरी। चलिए अब चलते हैं। सो ये है ईस्ट बिल्डिंग, यहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं, बाकी सब बिल्डिंग डिवाइडेड हैं। ये बाकी कोई इवेंट वगैरह होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सजावट होती है यहाँ पे। क्या करिए चलो हम चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ये काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा व्यू है इसके अंदर। तो ये अभी अपने आप खुल जाएगा, हमने इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर ली है। इस एरिया इस बिल्डिंग के अंदर मतलब कैंटीन है, करियर सेंटर है, स्टूडेंट हब है, और काफ़ी अलग अलग मतलब कि बैठने का काफ़ी एरिया है, मतलब हम लॉन्च एक्सेस भी है इसी एरिया के अंदर। काफ़ी अच्छा एरिया है ये वाला इस बिल्डिंग। चलिए अब चलते हैं हम वापस अपने घर की तरफ, मेरी क्लास हो चुकी है ओवर, बाकी नेक्स्ट टाइम पूरा अच्छे से पूरा व्लॉग बनाऊंगा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में होगा। अभी ये हमारा एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, साइप्रस स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मैं जहाँ पे भी जाना हो जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सिटिंग एरिया है, बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं वापस चला अपने घर, मेरी क्लास तो हो चुकी पक्की वैसे भी, तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा वेट कर रहा था यहाँ पे। ये DLR ट्रेन चलती है यहाँ से, बाकी ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ट्रेन टू बैक्टन प्लेटफॉर्म 1। यहाँ पे हमें टैप इन करना होता है, टैप आउट करना होता है। ये है स्टेशन, हमें से लेनी है डावर गेटवे। ये है साइप्रस स्टेशन, ऐसा ही सेम स्टेशन इससे पहले वाला जो है बैक्टन पार्क, डिटो सेम है। जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आया था तो मैं गलती से बैक्टन पार्क उतर गया था, फिर बाद में वॉक करके आया, जो वॉक पड़ता है लगभग 10 से 15 मिनट का वॉक होता है। तो अभी मैं हूँ स्टैटफोर्ड स्टेशन पहुँचा हूँ, यहाँ से मेरे को एलिजाबेथ लेनी है जो मेरे घर के पास लेके जाएगी, और वो स्टेशन है मेरीलैंड। और अगर आप देख सकते हो ये सामने है वेस्टफील्ड मॉल, ये स्टैटफोर्ड यहाँ का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल ट्रेन भी मिल जाती है, जैसे कि यूरोप जो लेके जाती हैं।
नई की दुकान को, थोड़ा घर का सामान लेना है क्योंकि कुछ खाने पीने का है नहीं, सब ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सामान लेंगा फिर घर जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सोऊंगा यार, सुबह जल्दी उठाता। यहाँ पे मैं वैसे हम लोग यहाँ पे क्रोस वगैरह लेते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है, खाना अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। एंट्री कर रहा हूँ मैं टेस्को में, बस बढ़िया जी आपकी दुआ। ये कटोरी ले ली, अब लेते हैं थोड़ा बहुत सामान। वैसे तो मुझे धनिया चाहिए, तो धनिया यहाँ पे कभी जल्दी से मिलता नहीं है। धनिया नहीं दिख रहा कहीं, टमाटर जो मुझे चाहिए वो नहीं है फिलहाल यहाँ पे भी। तो अभी मैं आया हूँ ऑफ लाइसेंस में, क्योंकि टेस्को में कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो ऑफ लाइसेंस में मिल जाती हैं। जैसे टेस्को में धनिया नहीं मिलता, और हम हैं इंडियंस तो टेस्ट के लिए हमें धनिया चाहिए, जो खुशबू आती है धनिया पत्ती की। तो यहाँ से अभी मैं धनिया लूँगा, धनिया लेने के बाद मेरे को दही भी लेना है यहाँ से। बाकी यहाँ पे ऑफ लाइसेंस में हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह हो गई, जो भी कुछ खाने की इच्छा हो, जो हम इंडियंस को मतलब कि जो हमें इंडिया में मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऑफ लाइसेंस के अलावा हर जगह पे सब चीज़ें नहीं मिलती, तो हम ऑफ लाइसेंस से ज़्यादातर मैं ऑफ लाइसेंस से ही लेता हूँ खाने पीने की चीज़ें। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मिलते हैं।